दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्विक आंसर पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि स्किन की कितनी लेयर होती है और ये कैसे काम करती है तथा कौन सी लेयर का क्या काम होता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कि एयर वैक्स क्या होता है और कान के अंदर गंदगी धीरे धीरे कैसे जमा होती है। दोस्तों हम जानते हैं कि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है जो कि 1 to 2 millimeter मोटी होती है, किंतु दोस्तों पाल्म शोल्डर तथा पैरों की त्वचा जो होती है इसकी थिकनेस 5 millimeter तक होती है और वहीं दोस्तों पेनिस तथा आइरिस में 0.5 millimeter ही त्वचा थिक होती है। दोस्तों स्किन की टोटल 2 layer होती है, आउटर लेयर एपिडर्मिस तथा इनर लेयर डर्मिस होती है। दोस्तों एपिडर्मिस की लेयर 5 प्रकार की होती है जो कि होती है स्टेटम कॉर्नियम, स्टेटम ल्यूसिडम, स्टेटम ग्रेनुलोसम, स्टेटम स्पाइनोसोम तथा स्टेटम बेसिली। जबकि दोस्तों डर्मिस की 2 layer होती है, पेपिलरी तथा रेटिकुलम लेयर। दोस्तों अगर सबसे बाहरी लेयर स्टेटम कॉर्नियम की बात करें तो यह डेड सेल की लेयर होती है जो कि शरीर को बैक्टीरियल तथा बाहरी आघातों से रक्षा करती है। यह वाटरप्रूफ होती है जो कि हर 28 से 30 दिन में नष्ट होती है तथा इसके नीचे की सेल इसकी जगह ले लेती है। दोस्तों नेक्स्ट लेयर की बात करें तो यह एक चमकीली तथा शाइनिंग लेयर होती है। यह जलरोधी तथा पारदर्शी होती है तथा यह हथेली व तलवों में पाई जाती है जो कि स्टेटम ल्यूसिडम के नाम से जानी जाती है। अगर दोस्तों अगर हम ग्रेन्युलोसम की बात करें तो इसमें दाने के समान पदार्थ होते हैं तथा यह स्किन के प्रोटेक्शन में सहायक होती है। नेक्स्ट लेयर दोस्तों स्टेटम स्पिनोसोम है। यह एक दूसरे से चिपके हुए ज्वाइंट होते हैं तथा यह खंडों में होते हैं। नेक्स्ट लेयर दोस्तों स्टेटम बेसिली है। इसमें सेल का डिवीजन होता है तथा पुरानी सेल डेड होने पर यह लेयर के ऊपर आ जाती है। दोस्तों अब अगर हम डर्मिस लेयर की बात करें तो इसमें नर्वस एंडिंग होती है जिसमें हमें तापमान पेन आदि का पता चलता है। इसमें ब्लड वेसल स्वेलिंग ग्लैंड सीबेसियस ग्लैंड भी पाई जाती है। इसमें दोस्तों लिम्फ हेयर ग्लैंड भी पाई जाती है तथा हेयर रूट भी डर्मिस लेयर में पाई जाती है। दोस्तों अगर पेपिलरी लेयर की बात करें तो इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि पेपिलिया होते हैं पाया जाता है जिसमें हाथों तथा पैरों में रुद्रपन आता है तथा अंगुलियों के अलग अलग फिंगरप्रिंट भी इसी लेयर के कारण होते हैं। दोस्तों अगर रेटिकुलम लेयर की बात करें तो इसमें नर्वस एंडिंग ग्लैंड पाई जाती है तथा पसीने की ग्लैंड तथा सभी लाइव सेल इसी में आती है। दोस्तों यह लेयर बॉडी के इंटरनल फंक्शन से जुड़ी होती है। दोस्तों अब अगर हम स्किन के अंदर पाए जाने वाले कलर डिफरेंस की बात करें तो दोस्तों यह स्पाइनोसोम तथा बेसल लेयर में पाए जाने वाले मेलेनिन पिगमेंट के कारण होता है। दोस्तों मेलेनिन पिगमेंट के कारण ही स्किन का कलर काला या गोरा होता है। दोस्तों सन से आने वाली यूवी रेस के कारण यह पिगमेंट प्रभावित होता है। जहां दोस्तों गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां के लोगों की स्किन काली होती है क्योंकि दोस्तों उनके स्किन के अंदर मेलेनिन पिगमेंट बढ़ जाता है, जबकि ठंडे प्रदेशों में कम सनलाइट के कारण मेलेनिन पिगमेंट कम हो जाता है तथा स्किन ज्यादा खूबसूरत तथा गोरी नजर आती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो ईयर वैक्स कान के अंदर जमा होने ईयर वैक्स कान के अंदर जमा हुई गंदगी को कहते हैं। दोस्तों ईयर वैक्स के कारण सुनने की क्षमता कम हो जाती है तथा कान के अंदर जाने वाले ईयर ड्रम तथा दोस्तों कान के अंदर पाए जाने वाले ईयर ड्रम इफेक्ट। दोस्तों ईयर वैक्स एक हल्के लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। ईयर वैक्स बाहर से गई गंदगी की वजह से इकट्ठा होता है। कान के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ स्थापित होता है तथा बाहर के धूल मिट्टी के कण उसे चिपक जाते हैं तथा टाइम के साथ ये कण बढ़ते जाते हैं तथा ईयर वैक्स में बदल जाते हैं। दोस्तों इसे साफ करने के लिए आपको हल्का सरसों का तेल गर्म कर लेना चाहिए तथा इस तेल को कान के अंदर डाल दें तथा कुछ टाइम के बाद रुई की सहायता से कान को साफ कर लें। दोस्तों कुछ भी नुकीली चीज कान में नहीं डालें वरना ईयर ड्रम फट सकता है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी के शरीर पर गुदगुदी क्यों चलती है तथा हम अपने आप को गुदगुदी क्यों नहीं कर सकते तथा दोस्तों बॉडी के ऊपर खुजली क्यों चलती है। दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।